निवेदिता शर्मा हूँ। मैं क्लाउड नाइन हॉस्पिटल पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि IVF फेल क्यों होता है। दिस इज वेरी ट्रू कि IVF का सक्सेस रेट 100% नहीं है और यूनिवर्सली सक्सेस रेट 50-60% ही है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी इज अ मैटर ऑफ चांस, इसलिए IVF में एक साइकिल में 100% सक्सेस रेट नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हमें ऑब्वियस रीजंस मिलते हैं जिसकी वजह से IVF फेल होता है। सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियो की। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो IVF फेल होने के चांसेस काफी हाई है। एम्ब्रियो की क्वालिटी फीमेल एज और स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करती है। इसके बाद बात करते हैं हम एंडोमेट्रियम की, जहां एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम है, उसमें ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है या इन्फेक्शन की वजह से उसमें बैंड्स बने हैं तो भी IVF फेल होने के चांस रहेंगे। आगे चलते हैं तो यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसकी वजह से IVF फेल होने के हाई चांसेस रहते हैं, जैसे कि सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, वो फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी की झिल्ली की तरफ है, एंड यूट्राइन एडिनोमायोसिस। अगर फीमेल को प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे कि SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो भी IVF फेल होने के हाई चांसेस रहे। मैं क्लाउड नाइन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में मंडे टू सैटरडे 10-6 PM अवेलेबल। आप इस दौरान मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।